अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वान चीमा। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी वॉकिंग टेल एपिसोड 22। इस वीडियो में आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में एक दूसरी स्ट्रीट जिस पर 10 मरला के विलास बन रहे हैं उसके बारे से बताऊंगा। अभी मैं जिस स्ट्रीट में मौजूद हूँ ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास से आपको एग्जैक्ट वैसे भी नज़र आती है स्ट्रीट, और इसकी नॉर्थ साइड पर लाहौर ईस्टर्न बाईपास बनता है, ईस्ट साइड पर इसके लाहौर ग्रैंड ट्रंक रोड है, साउथ साइड है उसके यहाँ पर एक्सेस पॉइंट है जो लाहौर ग्रैंड ट्रंक रोड से बनेगा, और वेस्ट साइड पर इसकी यहाँ पे C1 रोड है। अगर हम बात करें इस विला की डेवलपमेंट की, फॉर द टाइम बीइंग इस साइट पे डेवलपमेंट का स्टेटस कुछ यूँ है कि तकरीबन तमाम जितने 10 मरला के विलास बन रहे हैं तकरीबन तमाम विलास के जो ग्राउंड फ्लोर हैं वो तकरीबन कंप्लीट है, जिनकी चुनाई का काम कंप्लीट है। यानी ये तकरीबन 5-6 फीट ज़मीन से स्टार्ट हुए थे जो बेसिक अर्थवर्क था, उसके बाद ये अभी ग्राउंड फ्लोर 10 फीट तक दीवारें पहुँच गई हैं, यानी चुनाई यहाँ तक पहुँच गई है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर काम होगा। जस्ट टू बी ऑन रिकॉर्ड, ये जो विलाज हैं ये सोसाइटी की तरफ से अभी तक लॉन्च नहीं किए गए, और इनकी ना रेट्स का पता है ना इसके बारे में सोसाइटी ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया है कि इनके रेट्स ये होंगे, और ये भी साइट पे कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। यानी पहली सोसाइटी है जो पहले कंस्ट्रक्ट कर रही है और बाद में उसको 3 साल के प्लान में बेचेगी। ये लॉजिकल नहीं लगता पाकिस्तान में, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है लाहौर स्मार्ट सिटी में। अब अक्सर लोग जब बात करते हैं ना कि लाहौर स्मार्ट में इतना प्रॉफिट कैसे बन गया विद इन नो टाइम, 1 साल के अंदर अंदर सोसाइटी ने आके ज़मीन पर जो डेवलपमेंट की है उसकी रीजन है कि साइट पे इस वक्त इतना मैसिव प्रॉफिट, जिन मेंबर ने अर्ली डेज में इन्वेस्ट किया तो वो साइट पे इतना मैसिव प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं आज के डेट में। वैसे रूटीन में यहाँ पे एक्टिविटी होती है कि सोसाइटीज़ स्टार्ट होती हैं लेकिन सोसाइटीज़ आगे मुकम्मल नहीं करती काम, डेवलपमेंट को आगे प्रोसीड नहीं करती, तो इसलिए वो काम जो था वहीं पर स्टैंड करते हैं। अभी इसके सामने बिल्कुल ये 3-4 स्ट्रीट्स हैं 10 मरला के विलास की जिन पर भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। एक ये स्ट्रीट है मुकम्मल जिस पर मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी एपिसोड, और इसके अलावा ये स्ट्रीट है, इसके शायद ये वाली जो स्ट्रीट है, और ये आगे लाहौर ईस्टर्न बाईपास को दिखाता हूँ एरिया। बेसिकली साइड ने लाहौर ईस्टर्न बाईपास के साथ जो ज़मीन है जो सबसे एक्सपेंसिव बिक सकती थी, यानी कि सबसे हाई रेट पे डाइल्यूट हो सकती थी, लेकिन सोसाइटी ने वो एरिया रिजर्व किया है फॉर प्लांटेशन और फ्रूट ट्रीज के लिए। यानी अगर आप लाहौर ईस्टर्न बाईपास से कैपिटल लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट को देखेंगे तो आपको साइट पे जो चीज़ें नज़र आएंगी पहले वो होगी ग्रीनरी, और बाद में फिर आगे कोई डेवलपमेंट नज़र आएगी, क्योंकि सोसाइटी ने कहा कि पहले हम फोकस करेंगे हमारी अपनी जितनी ओवरऑल लैंड है उसका तकरीबन 35-38% एरिया हम सिर्फ ग्रीनरी के रिजर्व करेंगे। अच्छा, साइट पर भी कोई इंडिविजुअल रहता नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर डेवलपमेंट देखें तो प्लांटेशन मुकम्मल है, स्ट्रीट्स मुकम्मल बन चुकी हैं अलॉन्ग विद फुटपाथ्स, ये आप देख सकते हैं। मैं जिस भी स्ट्रीट पर अब तक गया हूँ ना मोस्टली स्ट्रीट तकरीबन ऐसी हैं जिनकी फुटपाथ भी मुकम्मल हो चुके हैं, फुटपाथ छोड़े साइड पर जो अलाइनमेंट होती है जो येलो कलर की लाइन नज़र आ रही हैं ये भी तकरीबन तमाम स्ट्रीट पर लग चुकी हैं, और ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास का एरिया आता है। अब इस साइड देखें तो ये विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और सेंटर में जो आपको ट्री नज़र आ रहा है इस पर ये फैमिली पार्क है ब्लॉक ए का। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इस वक्त साइड पे आप इटसेल्फ आना चाहें या देखना चाहें तो साइड पर आपको तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं बेसिकली, यानी स्ट्रीट लाइट्स का लगना, फुटपाथ का बनना, ड्रेनेज का बिछना, जो घरों तक वाटर सप्लाई आनी है उसकी पाइपलाइन का डलना, हॉर्टिकल्चर, तमाम की तमाम चीज़ें साइड पर इस वक्त मौजूद हैं। फॉर व्यूअर्स दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।